प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा दसवीं में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आए सु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। नाथ स्वामी या प्रभु, शंभु धनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई ही होगा केउ कोई एक एक दास दास तुम्हारा तुम्हारा। यानी कि भगवान श्री राम परशुराम की बात सुनकर बोले कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयसु का है कहिए किन मोही, आयसु आज्ञा का है क्या, कहिए कहिए किन क्या मोही मुझे, क्या आज्ञा है आप मुझे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर रिसाई रीस में भरकर या गुस्से में भरकर बोले बोले मुनि मुनि को ही क्रोधी। भगवान श्री राम की बात सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई। सेवकू सेवक सो वह जो जो करे करता है, सेवकाई सेवक का कार्य, अरी करनी शत्रुता का कार्य करने वाले से करी करनी चाहिए करिए लड़ाई लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवक का कार्य करता है, लेकिन शत्रुता का कार्य करने वाले से तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सौरी पुमोरा। सुनहु सुनो राम, हे राम, जेही जिसने शिव धनु शिव का धनुष तोरा तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सहस्र बाहु के समान, सो वह रिपु शत्रु मोरा मेरा। कि हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न ते मारे जहे ही सब राजा। सो वह बिलगाई अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर समाजा समाज, न ते नहीं तो मारे जहे ही मारे जाएंगे सब सब राजा राजा। यानी कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धर ही अवमाने। सुनी सुनकर मुनि बचन, मुनि के वचन या परशुराम के वचन, लखन लक्ष्मण मुसुकाने मुस्कुराने लगे। यानी कि मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले परशुधर ही अवमाने। बोले बोले परशुधर ही यानी कि परशुराम का अवमाने अपमान करते हुए, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू ने असी रीस किन्हीं गोसाई। बहु बहुत सी अनेक धनु ही, छोटी छोटी धनु ही या छोटा धनुष, तोरी तोड़ी हैं लरिकाई बचपन में, कभू कभी ने नहीं असी ऐसा रीस गुस्सा किन्हीं किया गोसाई स्वामी। कि हे स्वामी, हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनु ही तोड़ी हैं, लेकिन कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही इस धनु धनुष पर ममता ममता के ही हेतु किस लिए, लेकिन आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल को केतु, सुनी सुनकर रिसाई गुस्से में भरकर कहे कहा भृगुकुल क्रेतु। भृगुकुल केतु यानी कि भृगुवंशी परशुराम ने।
यानी कि लक्ष्मण की बात सुनकर भृगु कुलवंशी परशुराम ने गुस्से में भरकर कहा, रे नृप बालक काल बस बौलत तोही ने संभार, दनु ही समत्री पुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक यानी कि हे राजकुमार, काल बस काल के वश में होकर बौलत बोल रहे हो, तोही ने संभार स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हो, दनु ही सम दनु ही के समान त्रिपुरारी धनु शिव के धनुष को विदित प्रसिद्ध सकल पूरे संसार संसार और सारे संसार में प्रसिद्ध शिव के धनुष को दनु ही के समान बता रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लक्ष्मण ने कहा हंसी हंसकर हमारे लिए जाना जानना या समझना, सुनो देव हे देव सब धनुष समाना एक समान। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव, हम तो सब धनुषों को एक समान समझते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोने, का क्या क्षति हानि लाभु लाभ जून या धनु धनुष तोरे तोड़ने से, इस प्रकार के धनुष को तोड़ने से क्या लाभ या क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, देखकर राम ने नयन के भोरे तिरछी नजरों से। भगवान श्री राम ने जब इस धनुष की ओर तिरछी नजरों से देखा तो यह केवल देखने मात्र से ही टूट गया। छुवत टूट रघुपति हु ने दोसु, छुवत छूने से टूट गया रघुपति हु रघुपति श्री राम का, ने नहीं दोसु दोष, यह केवल छूने से ही टूट गया और इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मुनि हे मुनि बिनु काज बिना ही कारण करिए कर रहे हैं कत क्यों रोसु गुस्सा, कि हे मुनि आप बिना ही कारण गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा रे सठ सुने ही सुभाव ने मोरा, बोले चित देखकर परसु फरसा की ओरा की ओर रेसट अरे दुष्ट सुने ही सुना सुभाव स्वभाव ने नहीं मोरा मेरा। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक समझकर बधौं वद नहीं तो ही यानी कि नहीं कर रहा हूँ तो ही तुम्हारा, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ मूर्ख जान लिया मोही मुझे और तुमने मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, बाल ब्रह्मचारी अति अत्यंत कोही क्रोधी विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलद्रोही क्षत्रिय कुल का नाशक। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी और सारे संसार में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार मही देवन है दिनी, भुजबल भुजाओं के बल से भूमि भूप यानी कि राजा बिनु बिना किन्ही किया है, यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवन है दिनी, विपुल बार अनेक बार मही पृथ्वी देवन है ब्राह्मणों को दिन ही दी है और अनेक बार यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है।
सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु भुज सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा काटने वाला परसु फरसा बिलोकु देखो महिप कुमारा राजकुमार कि हे राजकुमार तुम सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। मातु पित ही माता पिता की जनी सोच बस सोच के वश में होकर करसी ऐसा कर रहे हो या ऐसा बोल रहे हो महिष किशोर राजकुमार कि हे राजकुमार तुम अपनी माता पिता की सोच के वश में होकर या तुम अपनी माता पिता के कारण ऐसा बोल रही हो। गर्बन है के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्बन है के गर्भ में अर्भक दलन शत्रु का नाश करने वाला परसु फरसा मोर मेरा अति अत्यंत घोर भयंकर। गर्भ में भी शत्रु का नाश करने वाला मेरा यह फरसा अत्यंत भयंकर है।